सैटेडल में प्रियंका चोपड़ा के साथ समांथा भी दिखाई देने वाली हैं उनके मां के किरदार में। हुआ है इस बारे में खुलासा कि वरुण धवन के साथ अब समांथा भी दिखाई देंगी सैटेडल में। आपको बता दें हाल ही में जो है प्रियंका चोपड़ा की एक वेब सीरीज आई है जिसका नाम है सैटेडल, जिसको लेके सुर्खियों में चल रही हैं प्रियंका चोपड़ा। उन्होंने एक जिक्र ये भी किया था कि डॉन 3 में जब वो काम करने वाली थी, जब वो डॉन 2 में काम कर रही थी, वो चाहती थी कि वो डॉन के किरदार को निभाए ना कि लड़की के किरदार में। वो चाहती थी हमेशा से एक एक्शन रोल में काम करना, जिसका जो है अब उनका ये सपना पूरा हो चुका है और सैटेडल में उनको जो है बहुत ज़्यादा प्यार भी मिल रहा है उनके अंदाज को लेके। इसी बीच में जो है मूवी में जो है कहीं ना कहीं पास्ट और प्रेजेंट का जो है हल्का हल्का फ्लैशबैक दिखाया जा रहा है और इसमें उम्मीद की जा रही है कि समानता भी दिखाई देने वाली है। समानता से जब इस बारे में जिक्र किया गया कि क्या आप भी मूवी का हिस्सा बनने वाले हो या फिर क्या आप भी वेब सीरीज का हिस्सा बनने वाले हो, तो समानता ने कहा कि हाँ मैं भी इस वेब सीरीज का हिस्सा बनने वाली हूँ। उन्होंने इस बारे में कंफर्मेशन दे दिया है। आपको बता दें इससे पहले भी हल्की हल्की झलक दिखाई गई थी इस मूवी में कि वरुण धवन जो है प्रियंका के पिता का किरदार निभाने वाले हैं और इसका जिक्र जो है एक ट्विटर पे एक यूजर ने किया था फोन कॉल के बारे में वरुण धवन की आवाज को मैच करते हुए दिखा के। मैं कहीं ना कहीं इस मूवी में ये वाला एंगल दिखाने की कोशिश की जा रही है कि समांथा कभी भी प्रियंका यानी कि प्रेजेंट में जो प्रियंका है समांथा कभी भी उनसे मिलेंगी नहीं। ये कहानी का जो एंगल दिखाया जाएगा या फिर दोनों को जिस तरीके से पोर्ट्रे किया जाएगा वो किया जाएगा लाइफ ऑफ पाई की तरह, मतलब कि जो बचपन वाली प्रियंका है वो समांथा की बेटी बनेगी मगर जो बड़ी वाली प्रियंका है वो समांथा से कभी भी सेट पे नहीं मिलेगी। तो आपको भी लगता है इस वेब सीरीज में जितने ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं उसके बाद इस वेब सीरीज का क्या मूड आने वाला है? क्या आपको भी वेब सीरीज अगर आपने देखी तो आपको कौन सा एंगल और कौन सा कैरेक्टर पसंद आया उसका नाम लिखना बिल्कुल ना भूले, और आपका क्या ओपिनियन है इस वेब सीरीज को लेके उसके बारे में भी अपना ओपिनियन शेयर करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद।